बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड साउंड एट होम एंड फोकसिंग ऑन योर स्टडीज। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 3, गैसेस। वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, सो टुडे वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 इज MCQs। सो फर्स्ट MCQ इज प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट At what temperature the volume of a gas will become twice of what it is at 0 centigrade? तो सबसे पहले तो हमें पता चाहिए कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो टेम्परेचर हम कितना कर दें कि वॉल्यूम ऑफ गैस ट्वाइस हो जाए उस वॉल्यूम से जो कि वो 0 सेंटीग्रेड पे था। तो अब हमने देखना है कि 0 सेंटीग्रेड का डबल इसमें से कौन सा टेम्परेचर है। अगर पहला हम देखें 546 सेंटीग्रेड, तो वो 0 सेंटीग्रेड से डबल नहीं है। नेक्स्ट बी पार्ट है 200 सेंटीग्रेड, तो ये भी 0 सेंटीग्रेड से डबल टेम्परेचर नहीं है। नेक्स्ट 546 केल्विन है, तो ये भी 0 सेंटीग्रेड को देखें इसका डबल तो नहीं है, लेकिन बट हम देखें कि अगर 0 सेंटीग्रेड है वो किसके इक्वल है। 0 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन, सो इट्स डबल ऑफ 273 केल्विन। 546 इज डबल ऑफ 273। नेक्स्ट देखें, अगर उन्होंने 273 केल्विन दिया तो दिस इज इक्वल टू 0 सेंटीग्रेड। सो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज सी पार्ट, दैट इज 546 केल्विन। अगर स्टार्ट में टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड था, इट मीन्स वो 273 केल्विन था। अब अगर हम उसको डबल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 546 केल्विन। सो 546 केल्विन पे अगर हम टेम्परेचर 546 केल्विन कर देंगे तो वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा उस वॉल्यूम से जो के 0 सेंटीग्रेड पे था। नेक्स्ट MCQ इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर इज क्लोज टू। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हम 1 मोल का अगर हम वॉल्यूम देखें बच्चों, तो वो 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर होता है, और उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। फिर जब वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर होता है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब अगर हम 1 क्यूबिक डेसीमीटर में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम एवोगैड्रोस नंबर को 22.4 से डिवाइड कर देंगे। सो इसमें जो ए है ये बेस्ट ऑप्शन है, 6.02 × 10⁻²³ जो है ये एवोगैड्रोस नंबर है, इसको हम 22.414 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर। नेक्स्ट में देखिए 12.04 है, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू हमने नहीं पढ़ी पूरे चैप्टर में। नेक्स्ट 18 × 10⁻²³, ये वैल्यू भी हमने कहीं नहीं पढ़ी। नेक्स्ट ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, बट 55.6 को हमने कहीं नहीं पढ़ा। सो 1 क्यूबिक डेसीमीटर में अगर हमने किसी भी चीज के किसी भी गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम एवोगैड्रोस नंबर को डिवाइड कर देंगे बाय 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर। Now, number 3 is which of the following will have the same number of molecules at standard temperature pressure? इसमें बच्चों हमने Avogadro's law को follow करना है कि at standard temperature pressure, equal volume of all the gases have equal number of molecules. So अब हमने इसमें देखना है कि इन सब में equal volume किस गैस का है, किन दो गैसेस का volume equal है। तो अगर हम ए पार्ट देखें, इसमें 280 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 280 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ N2O है। तो अब अगर हम इस ऑप्शन पे ही गौर करें, थोड़ा सा देखें, दोनों गैसेस के वॉल्यूम इक्वल है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर वॉल्यूम इक्वल है गैसेज का तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, तो ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट में देखिए 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ऑक्सीजन है और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कोई रिलेशन नहीं बनता, और 28 ग्राम नाइट्रोजन और 5.6 क्यूबिक डेसीमीटर ऑक्सीजन का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें ए आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट नंबर 4 इज इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड एंड द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल। अब देखें टेम्परेचर को हम डबल कर रहे हैं, अब जब भी हम टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी
डबल हो जाएगा, टेम्परेचर डबल करने से वॉल्यूम डबल होगा. नेक्स्ट प्रेशर को हाफ कर रहे हैं. अब प्रेशर अगर हाफ कर रहे हैं यानी प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो इससे भी वॉल्यूम डबल होगा. तो एक तो डबल वॉल्यूम हो रहा है टेम्परेचर से और सेकेंड टाइम डबल वॉल्यूम हो रहा है प्रेशर से. तो ओवरऑल कितनी इंक्रीज होगी? 4 times इंक्रीज होगी. सो इसमें बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर, इंक्रीज 4 times. अगर हम टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा. नेक्स्ट हम प्रेशर को भी हाफ कर रहे हैं तो उससे भी वॉल्यूम डबल हो जाएगा. तो नेट वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? 4 times. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड द कंडीशंस बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज्ड. यानी हम मास तो यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मास, वैसे तो हमने पढ़ा कि जब भी हम मास इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे, तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 1 mole का वॉल्यूम फिक्स है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर. तो जब भी हम मास इंक्रीज करेंगे मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ऐसी कंडीशन बताएं कि हम मास तो इंक्रीज करें बट वॉल्यूम इंक्रीज ना हो. सो फर्स्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर इज लोअर्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड. टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड प्रेशर इज लोअर्ड. टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर लोअर्ड. टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर इंक्रीज्ड. अब हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है और वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है. सो अब हमने टेम्परेचर वॉल्यूम को मेंटेन रखना है, इंक्रीज नहीं होने देना, तो उसके लिए हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे. ठीक है, हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो मास बढ़ाएंगे भी तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा. एंड नंबर टू प्रेशर इज इंक्रीज्ड. प्रेशर भी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वो भी वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं होने देगा. ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी अगर हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. तो ए ऑप्शन आएगा बच्चों इसमें, टेम्परेचर इज लोअर्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज. क्योंकि अगर हम सेकेंड ऑप्शन करें टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इंक्रीज करने से तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर हमने वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं होने देना. तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आएगा. नाउ द नेक्स्ट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट. अब नीचे दो बातें दी गई हैं, टेम्परेचर और प्रेशर. इन चार ऑप्शंस में एक बार टेम्परेचर है और प्रेशर है. तो अब देखें वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब टेम्परेचर वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा जो प्रेशर है वो मिनिमम होगा और जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम होगा. अब यहाँ पर तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है. ठीक है, नेक्स्ट में 127 degree centigrade और 1 atmosphere है. नेक्स्ट 0 centigrade और 2 atmosphere है. नेक्स्ट 273 centigrade एंड 2 atmosphere है. अब इन सब में अगर हम देखें तो सबसे कम प्रेशर 1 atmosphere है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर देखें तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसमें 127 centigrade होगा. यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन साथ में प्रेशर भी ज्यादा है. ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर तो ज्यादा है लेकिन साथ में प्रेशर भी डबल है उससे. यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है और प्रेशर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कम है और उसके साथ साथ टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है. तो बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, 127 centigrade एंड 1 atmospheric प्रेशर. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम होगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर कम है. अब नेक्स्ट नंबर 7 जो बच्चों MCQ है, ये स्मार्ट सिलेबस में तो उन्होंने लिखा है बट ये आपने डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन जो है वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं पढ़ा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में उन्होंने एंटर कर दिया. सो इसलिए अभी मैं ये आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग. तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इक्वल मैसेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 centigrade. यानी मैसेज जो है वो मीथेन और ऑक्सीजन दोनों के इक्वल हैं. द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ऑक्सीजन इज. तो वो कह रहे हैं इसमें जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है दोनों की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से और मीथेन की वजह से, उसमें से ऑक्सीजन का पार्ट कितना है. तो अब फिर हम इनके पहले देखेंगे कि प्रेशर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे. जिस गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उसका प्रेशर भी कम होगा. अब अगर हम इक्वल मैसेज लेते हैं ऑक्सीजन और मीथेन के, फॉर एग्जांपल हम 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं और 32 ग्राम ही मीथेन लेते हैं,
32 ग्राम ऑक्सीजन इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, बट 32 ग्राम ऑफ मीथेन विल बी 2 मोल्स ऑफ मीथेन, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल का मास मीथेन में 16 ग्राम होता है. तो अगर हम 32 ग्राम लेंगे इक्वल टू ऑक्सीजन, दोनों का मैसेज तो इक्वल है, बट मीथेन के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के का 1 मोल है. टोटल हमारे पास हो जाएंगे 3 मोल्स, 2 मोल्स मीथेन एंड 1 मोल ऑक्सीजन. टोटल 3 मोल्स हैं, तो उनमें से ऑक्सीजन के प्रेशर की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/3, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 पार्ट है. टोटल 3 पार्ट्स हैं और उसमें से 1 पार्ट ऑक्सीजन का है, 2 पार्ट्स मीथेन के हैं. तो इसका आंसर होगा 1/3. ठीक है, समझ आ गई बच्चों? इसकी इक्वल मैसेज लेने हैं हमने इसमें. आप 32 की बजाय डबल भी कर सकते हैं, 62 ग्राम ऑक्सीजन लें और 62 ग्राम ही मीथेन ले लें. 62 ग्राम ऑक्सीजन के 2 मोल्स होंगे, लेकिन सॉरी 64 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन के 2 मोल्स होंगे, और अगर आप मीथेन लेंगे तो वो इसके 4 मोल्स होंगे. तो फिर भी वही रेशियो बन जाएगी, 2:4 अगर हम करेंगे, इसके 2 मोल्स हैं और इसके 62 ग्राम के. ठीक है, तो वही रेशियो बनेगी कि ऑक्सीजन का 1 पार्ट होगा और मीथेन के 2 पार्ट्स होंगे. तो ओवरऑल आंसर जो है वो 1/3 ही आएगा. नेक्स्ट, ये जस्ट 8 पार्ट तक ही बच्चों आपके सिलेबस में था. ये 9, 10, 11 ये तीनों पार्ट्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इनको आपने नहीं करना. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों जस्ट ऑब्जेक्टिव है. आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है एमसीक्यूज पे, क्योंकि बोर्ड पेपर में एमसीक्यूज ही आएंगे. ये फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों आप खुद करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ट्रू फॉल्स है. इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से जस्ट जो आपने पार्ट्स करने हैं, इसमें पार्ट नंबर 1 है, 1 करना है आपने, और पार्ट नंबर 2, 1 और 2 दो पार्ट्स करने हैं आपने. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज 0 एट 0 सेंटीग्रेड. तो ये बच्चों फॉल्स है. अब जरूरी नहीं कि हर गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 0 सेंटीग्रेड पे 0 हो, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास हो सकती है. नाउ नेक्स्ट है, अ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर विल एग्जर्ट मच हायर प्रेशर एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी देन एट द टॉप. तो ये भी बच्चों फॉल्स है. आपने पीछे पढ़ लिया है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में है. इसके सारे पार्ट्स आप डिटेल में पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप बॉयल्स लॉ ओपन करेंगे और ये उससे रिलेटेड इसके सारे क्वेश्चंस हैं. इनको आप खुद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना ही नहीं, आपने वहां से ही इनके आंसर जस्ट देख लेने. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ भी बच्चों आपने प्रॉपर डिटेल में स्टडी किया है. ठीक है, तो इसके आंसर आप वहां से देखेंगे. व्हाट इज चार्ल्स लॉ, विच स्केल ऑफ टेम्परेचर इज यूज्ड टू वेरीफाई दैट वी ओवर टी इज इक्वल टू के, द प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है. आप चार्ल्स लॉ को डिफाइन करेंगे, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, और टेम्परेचर स्केल कौन सा यूज करेंगे आप? केल्विन स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, sample of carbon monoxide gas occupies 150 ml at 25 degree centigrade, then closed, then cooled at constant pressure until it occupies 100 ml. पहले 150 ml था, then 100 ml है, pressure constant है. ठीक है, what is the new temperature? अपने new temperature find out करना है. अब देखें, इसमें उन्होंने बता दिया, उन्होंने पहले हमें V1 दिया है और V2 दिया है. T1 दिया है, T2 हमने फाइंड आउट करना है. प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसमें चार्ल्स लॉ की इक्वेशन यूज होगी, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2. ये इक्वेशन आप लिखेंगे और फिर उसमें से बाकी तीनों की वैल्यूज पुट करके T2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि केल्विन में है. तो ये आ जाएगी 198.8 केल्विन. नेक्स्ट सी पार्ट है, डू यू थिंक दैट द वॉल्यूम ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ गैस बिकम्स जीरो एट -273.16 सेंटीग्रेड, इज इट नॉट
against the law of conservation of mass and how do you deduce the idea of absolute zero from this information. ये जो पूरा proper topic आपने पढ़ा हुआ है और आपने बताना है इसमें कि -273.16 centigrade से बहुत पहले ही जो gases हैं वो liquefy हो जाती हैं और कभी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो यहाँ तक हम गैसेस को कूल ही नहीं कर पाते क्योंकि इससे पहले ही गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं. प्रॉपर डिटेल्स आप बुक से लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी है बच्चों सिलेबस में. व्हाट इज केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर. प्लॉट अ ग्राफ फॉर 1 मोल ऑफ एन रियल गैस टू प्रूव दैट A gas becomes liquid earlier than -273.16. ये भी उसी टॉपिक के एंड पे प्रॉपर ग्राफ डिटेल्ड है. और नेक्स्ट थ्रो सम लाइट ऑन द फैक्टर 1/273. ये प्रॉपर आप चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे उसमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 इज जनरल गैस इक्वेशन. ड्राइव इट इन वेरियस फॉर्म्स. तो आप जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करेंगे. नेक्स्ट है कैन वी डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अननोन गैस. If we know the pressure, temperature, and volume along with the mass of that gas, जी बिल्कुल आप कर सकते हैं. आप जनरल गैस इक्वेशन से जहाँ डेंसिटी ड्राइव की गई है वो इक्वेशन आप लेंगे. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में नंबर ऑफ मोल्स की बजाय आप स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम लिखेंगे तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिकुलर मास ऑफ अननोन गैस. फार्मूला कहाँ से लेना है? डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस में जो फार्मूला है वो आपने यूज करना है. How do you justify from general gas equation that increase in temperature or decrease of pressure decreases the density of the gas? इसमें density का formula लेंगे आप बच्चों. D is equal to Pm over RT. तो उससे आप फिर बताएंगे कि यहाँ पर density का D is equal to Pm over RT pressure के साथ direct relation है और temperature के साथ inverse relation है. Why do we feel comfortable in expressing the densities of gases in the units of gram per cubic decimeter rather than gram per cubic centimeter, a unit which is used to express the densities of liquids and solids? जो gases की densities होती हैं बच्चों उनकी values ज़्यादा small values होती हैं. इसलिए जब हम इन gram per cubic decimeter में represent करते हैं तो easy होता है express करने में. इसलिए हम इसमें express करते हैं. Next question number 8 is very very important. Drive the units for gas constant R in general gas equation. Number one, when the pressure is in atmosphere and volume in cubic decimeter. ये जो first drive की गई units ये वो हैं और next pressure in newton meter per meter square and volume in meter cube. तो ये हैं जो SI unit of R. ठीक है. Second one क्या है? SI unit of R. जो third one है energy is expressed in ergs. इसको आप leave कर दें. ये बाप के syllabus में नहीं है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. ये भी आपके सिलेबस में है बच्चों. व्हाट इज एवोगाड्रोस लॉ ऑफ गैसेस. ये लॉ आपने पढ़ लिया डिटेल में. नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है. डू यू थिंक दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया एट 0 सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल हैव एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल. ठीक है. यहाँ पे एवोगाड्रोस लॉ पढ़ेंगे उसमें नीचे प्रॉपर आप इसको प्रूव करेंगे कि 1 मोल किसी भी गैस का हम लेंगे तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे. उनका साइज उनका मास इसको इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं. नेक्स्ट जस्टिफाई दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मीथेन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज 8 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. तो ये भी सेम आंसर है कि जी ऐसा ही होगा. जो मॉलिक्यूल्स का साइज है या मॉलिक्यूल का जो मास है वो वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करता बिकॉज गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं दो मॉलिक्यूल्स में जो डिस्टेंस है वो एक मॉलिक्यूल के डायमीटर से 300 टाइम्स ज्यादा है. इसलिए मास बढ़ने से उनको ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती. इक्वल वॉल्यूम अगर गैसेज का होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे तो उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों.
इसमें भी प्रॉपर आप डॉल्टन्स ला पढ़ेंगे, उसमें से आपको ए बी सी डी इन चारों क्वेश्चंस के आंसर नहीं, ए बी सी करना है इसमें से, जो आपने ए बी और सी करना है ये डॉल्टन्स ला से रिलेटेड है। जो डी पार्ट है ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, सो इसको आपने नहीं करना। तो इन तीनों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 करना है बच्चों आपने, व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस गिव इट्स पोस्टुलेट। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आपने पोस्टुलेट्स देने हैं, जस्ट पोस्टुलेट्स, 7 to 8 पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट, हाउ डज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग गैस लॉज। आपने काइनेटिक गैस इक्वेशन से इन लॉज को डिड्यूस करना है। इसमें से 3 लॉज करने हैं आपने, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। द फोर्थ वन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज नॉट इन योर सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 13 इज नॉट इन सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो नॉट इन सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। ये जो स्मार्ट सिलेबस में नहीं लिखा हुआ बट इसको आपने करना है, क्योंकि ये स्मार्ट सिलेबस में तो आपने पढ़ा है बट एक्सरसाइज का जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 नहीं लिखा, बट इसको आपने करना है क्योंकि ये बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है और वो टॉपिक आपने पढ़ा है। इसमें से आप पहला पार्ट करेंगे, आप सेकेंड पार्ट करेंगे जी। इसमें ए और बी पार्ट दोनों आपने करने हैं। ए पार्ट इज प्लॉट ऑफ पी वी वर्सेज पी इज अ स्ट्रेट लाइन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। यानी अगर हम पी वी और पी में ग्राफ प्लॉट करें, पी ऑन एक्स एक्सिस एंड पी वी ऑन वाई एक्सिस, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। उसकी रीजन ये है कि हम प्रेशर जितना इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम उतना डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन जो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ यही ग्राफ है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी। नेक्स्ट कह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इन ए इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस एंड गोज अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस एट हायर। बी पार्ट इतना तो आप कर लेंगे, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बट जो सेकंड पार्ट है बच्चों ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट वी हैव सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन योर सिलेबस एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। हीलियम गैस इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 500 टोर इज ट्रांसफर टू अ कंटेनर विद अ वॉल्यूम ऑफ 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर। V1 दिया गया हमें 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, T1 500 टोर। नेक्स्ट V2 दिया गया और हमने P2 फाइंड आउट करना है, तो ये अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ होगा जो कि है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फार्मूला यूज करेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करेंगे न्यू प्रेशर। नेक्स्ट कब फाइंड आउट करेंगे, एक तो उन्होंने कहा इफ नो चेंज इन टेम्परेचर अकर्स, इन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो बॉयल्स लॉ फॉलो होगा। नेक्स्ट है कि इफ इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 15 सेंटीग्रेड, यानी अब टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो अब यहाँ पर हम वो फार्मूला यूज करेंगे जो जनरल गैस इक्वेशन में एंड पे आया था, P1 V1 over T1 इज इक्वल टू P2 V2 over T2। वो फार्मूला आप यूज करते हुए इसमें से नए प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेम्परेचर की दोनों वैल्यूज दे दी उन्होंने, तो हमने न्यू प्रेशर ही फाइंड आउट करना है, दोनों केसेस में प्रेशर फाइंड आउट करना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट आर द डेंसिटीज इन किलोग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन तीन गैसेस की आपने डेंसिटीज कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे और किलोग्राम में फाइंड आउट करनी है। यानी अपने गैसेस के जो मैसेज हैं उनको ग्राम में नहीं लेना, उनको आपने किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मीथेन है, इसका मास 16 ग्राम है, तो आप पहले इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग विद
1000 ऑक्सीजन का मास है, उसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरह हाइड्रोजन के मास को भी। तो ये सब करते हुए आपने डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, ठीक है, डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। मैसेज प्रेशर उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू दे दी है, मैसेज मोलर मैसेज आपको इन गैसेस के आते हैं, पी डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर उन्होंने दे दिया, टू टेम्परेचर आपने 273 केल्विन लेना है, और जो बात है वो है आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू बच्चों आपने प्रेशर के अकॉर्डिंग लेनी है, आपने आर के लिए टू डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, तो ये प्रेशर का यूनिट है एस आई यूनिट, तो एस आई यूनिट के अकॉर्डिंग जो आर की वैल्यू आएगी वो आपने इस क्वेश्चन में यूज करते हुए फाइंड आउट करनी है डेंसिटीज इन तीनों गैसेस की। अब जब डेंसिटीज आपके पास आ जाएंगी तो इसका बी पार्ट है कंपेयर द वैल्यूज ऑफ डेंसिटीज इन प्रोपोर्शन टू देयर मोलर मैसेज। अब आपने ये बताना है कि मोलर मैसेज के अकॉर्डिंग गैसेज की डेंसिटीज की क्या वैल्यू आई है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी कम है। इसमें जनरल आपको बता देती हूँ कि वो गैस जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्यों, बिकॉज डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, मोलर मास के साथ डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीथेन तीनों में से जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिसका मोलर मास कम होगा उसकी डेंसिटी भी कम होगी। मतलब ने बी पार्ट करना है, ये जो सी पार्ट है बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ सैंपल ऑफ क्रिप्टॉन विद द वॉल्यूम 6.25 क्यूबिक डेसीमीटर एंड प्रेशर दिस वन 765 टोर एंड टेम्परेचर दिस वन इज एक्सपेंडेड टू अ वॉल्यूम ऑफ 9.55 एंड प्रेशर ऑफ द 375 टोर, व्हाट विल बी इट्स फाइनल टेम्परेचर। तो इसमें देखें बच्चों प्रेशर वॉल्यूम है, प्रेशर है और टेम्परेचर है। सबसे पहले तो टेम्परेचर को आपने लेना है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें, उसमें केल्विन में कन्वर्ट कर लें, फिर आप इसको यूज करें। और तीनों चीजें हैं, P1 V1 T1 है और P2 V2 और T2 है जो हमने फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला यूज करेंगे, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तो उसमें से T2 को साइड पे करके उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 20 है, और इसके बाद 22 एंड 3, 21 जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, 20 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 24 भी सिलेबस में नहीं है। अब जस्ट ये थ्री क्वेश्चन 19, 20 एंड 22 एंड 23, अब इनको आप खुद सॉल्व करेंगे, आपको जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वहां पर आपको इनके आंसर दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 19, 20, 22 और 23 ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने। थैंक यू।